अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल से मैं ठीक हूँ और आप उम्मीद करते हो आप भी सही होंगे। भी बस कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि गाड़ी का थोड़ा सा काम करवाना है, तो वो गाड़ी का काम करवा लूँ। तो आज मुझे टाइम मिला, तो ये जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जो है इलेक्ट्रिशियन जो है भाई, ये काम कर रहा है, खोल रहा है नीचे से। अभी बताता हूँ ये सारा क्या सीन है और क्या काम करवा रहा हूँ। AC कंट्रोल होता है और जो हीटर वगैरह जो कंट्रोल होती है, ये वाली मशीन, ये ख़राब हो गई थी, काफ़ी दिनों से ख़राब हो रही थी। तो अभी मैं सही करवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये कंट्रोल करेगी AC को और नीचे वाली जो है ये हीटर की है। अभी ये देखिए सारा उसका प्रोसीजर चल रहा है, ये देखते हैं किस तरह से ये जो मशीन है ये चेंज करते हैं। गिल साहब, क्या क्या खुलेगा इसमें? मीटर। अच्छा, मीटर का कंसोल। मीटर और कंसोल खुलेगा। ये खुल गया सबसे पहले, ये ऊपर हो गया। ये ऊपर हो गया, हाँ जी। अब जो कटन लगे हैं, ये जो पुरानी मशीन है जो टूट गई थी वो निकालने लगे हैं। बहुत जबरदस्त है ये, बहुत काम करती है गर्मी में और सर्दी में। सर्दी में गर्म करती है, गर्मियों में ठंडक करती है। लेकिन ये अभी खोल के पता चलेगा कि इसमें क्या मसला है। तो ऊपर वाले को तो लग रहा है नाप टूटी हुई है। देखिए ये टूटी हुई है, नाप टूटी हुई है, नीचे वाला भी इशू कर रहा था। मशीन ऊपर आ जाएगी, ये मशीन बाहर आ गई है। ये अपने नीचे से खोला है ना, नीचे से खोल के सारी बाहर आ गई मशीन। ये क्या निकाल रहे हैं भैया आप? ये वाला इसका ऊपर नीचे वालों वाली, ये जो है तारे हैं जिससे ये कंट्रोल होती है नीचे, जो इसका सारा मीटर वगैरह जो वेरिएशन वगैरह। कुछ दिन पहले मेरे जो वाइपर थे, ये वाइपर ये काम नहीं कर रहे थे, तो मैं इधर आया था। इसकी मोटर थी उसमें जो काफ़ी जंग वगैरह लग गया था, तो खोल के इसको दोबारा से उसने ग्रीस वगैरह जो ऑयल वगैरह लगाया, तो वो काम करनी स्टार्ट कर गई। और ये न्यू मशीन है, ये जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, देखिए ये लगेगी अभी न्यू मशीन। तो ये न्यू मशीन लगेगी, वो तो भाई ने निकाल दी। ये पुरानी, ये जो है इसका जो मसला था, मैं दिखाता हूँ आप। ये देखिए ये टूटी हुई थी, ये भी टूटी हुई, और ये नीचे वाली ये भी टूटी हुई, दोनों। ये देखिए ये काम नहीं कर रही, इस साइड से भी आपको पता चल रहा। तो ये भी लगा रहे हैं। तो मैं जैसा आपको बता रहा था, कल गया तो कल मसला बड़ा बन रहा था मेरा, वो AC चलाता था तो वो चल नहीं रहा था। और कल तो अल्लाह का शुक्र है मौसम भी अच्छा था, तो गुजारा कर गया। लेकिन अगर फैमिली के साथ होता तो कहीं लॉन्ग ड्राइव पर होता तो मसला बन जाना था। उन्होंने ये कि यहाँ से, यहाँ पे मशीन थी ये इस साइड पर, यहाँ पे अभी फिक्स होगी तो फिर वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे मशीन थी तो नीचे से इसकी ये जो तारें थी ये वाली, ये भी निकाल ली थी ये वाली, तो मशीन सारी बाहर आ गई। तो इजी, बड़ी आसानी से ये जो है कंट्रोल हो सकता है, इंसान बड़ी आसानी से ये लग जाएगा। ये देखें जी, ये उन्होंने इसमें जो ये तारें थी, तारें बोलता हूँ क्योंकि मैं टेक्निकल ज़बान तो उसकी नहीं पता। ये मशीन में उन्होंने तारें फिट कर ली, ये न्यू मशीन इंस्टॉल कर ली है। अब ये देखिए आपको सारा प्रोसीजर जो है बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप मैं दिखा रहा हूँ। कोई चीज़ आप भी व्यूअर्स, यहाँ पे जो असल वीडियो है, यहाँ पे असल काम शुरू होता है। आप भी जो है वीडियो यहाँ पे बिल्कुल स्किप नहीं करनी, सारी वीडियो आपने देखनी, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे। ये लगा दी इन्होंने बिल्कुल जिस जगह से ये वाली पुरानी मशीन उन्होंने निकाली थी, ये वहीं पर इंस्टॉल कर रहे हैं। ये न्यू फिट होगी, अब इसमें जो ये इसकी पेच वगैरह और नाप वगैरह ये भी लगेगी। गिल साहब, इतने तुहाड़ी फोटो बड़ी क्लियर आ रही है। वो धुप है ना, धुप की वजह से
ये हमारी मशीन जो है फिट हो चुकी है ऊपर से। अब ये जो है ना तारे, ये वाली अगर आपको नजर आ रही है, अब इसका नीचे कंट्रोल देना है। वो लोग आएंगे, ये तो पीछे लग रहा है इसका, यहाँ पे तारे लगे हुए हैं। इनका भी नीचे नाटक था, वो भी खुला था ताकि आसानी से ये निकल जाए। तो अभी ये फिट भी हो रहा है। ये नीचे आप फिटिंग कर रहे हैं, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये देखिए, ये नीचे लगे तार ऊपर से तो फिटिंग हो गई है, अभी नीचे से फिटिंग कर रहे हैं। अभी नीचे से फिट हो गया सारा। हाँ जी, चलो शुक्र है अल्लाह का। माशाल्लाह ओके जी। अब स्टार्ट करके चेक करें जी गियर साइज़। चाबी की है, चाबी अब सही है यहाँ पर। हाँ फुल ऊपर पैरा में। हाँ हाँ ये सही यहाँ पर, यहाँ हाँ सही है। ये देखें ये काम होता है इनका, दुकान मुझे बड़ा परेशान कर रहा है। इतना सा काम था आधे घंटे का, और मसला जब बनाते हैं ये तो बड़ा हैवी इशू बनाते हैं ये मसला। हाँ जी ओके सर, ओके दोनों काम कर रहे हैं ठीक है। हाँ जी ओके जी।